Speaking. क्योंकि हम थी माँ अपने सपनों को पूरा करने का दम आगे बढ़ने का दम कुछ कार्य करने का क्योंकि हम टी मार्केट में वेंचर करने वाले हैं, हमारे पार्टनर्स का साथ यहाँ है, हमारे डिग्निटरीज का साथ यहाँ है, हमारे मीडिया फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं, सो दिस कुडंट हैव गॉटन बिगर एंड बेटर देन दिस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के आप सबको मालूम है he is known as the father of Odisha spice industry, masala man of Odisha, जोरदार ताली, डॉक्टर शरद कुमार साहू। किया है। So with 400 almost 400 long
लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स ऑन द यू नो शेल्फ. अब आपने जब टी वेंचर में ग्रुप किया, चाय की तरफ बढ़े, तो क्या थॉट था, क्या उसके पीछे आपका विजन? तो स्पाइस के बाद फिर फ्रोजन के बाद फिर जो चाय का काम आपने शुरू किया है, तो फिर इसके बाद क्या है आपका विजन? Pasta, absolutely. Because we have already told you, we are the first pasta manufacturer of Odisha, we are the first ice company of Odisha, we are the first frozen company of Odisha, and now the first tea company of Odisha. मेरे को पहले चाय लाना था, इसलिए चाय नहीं ले पाया. अभी 47 साल का बाद मैं सोचा, देखा जब लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ सूची देते हैं, चाय क्यों नहीं देंगे, इसलिए मैं चाय बनाया. चाय में अच्छा ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, ये तो अभी मैडम बताएंगे कैसे चाय होता है. साहू सर आपको चाय बनना आता है? हाँ मेरे को आता है, मैं कभी कभी चाय खुद बना लेता हूँ. गजल जी, साहू सर एक थोड़ा सा पक्ष लेते हैं, मैम साहू है यहाँ पे, पूछते हैं मैम साहू से, संगीता मैम से, कि साहू सर से चाय आता है या नहीं आता है, क्योंकि 47 इयर्स हो गया. मैम आप सच बता दीजिए, सर को सर जो चाय बनाते हैं वो कैसा फील है, कैसा टेस्ट है, सच बोल रही. पहले तो बहुत रानीहाट में जब थे हम, चाय खुद बना के मैं उसी घर पे नहीं जाती थी, नहा के जाना सही था उस टाइम. तो उस टाइम वो चाय बहुत अच्छा बनाते थे, अभी भी वो बोलने के बाद भी वो बना देते हैं बहुत अच्छा चाय. और उनके चाय और जीतू की चाय जो है ना, पूरा एक ही है. आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा. तो मैम तो बाप से बेटा ज्यादा, सो दैट मींस यू वांट टू गिव 100% टू सर सर और अपना साहू 100% टू मिस्टर साहू. बट सच बताइए किसका ज्यादा अच्छा लगता है? ज्यादा तो साहू का है, लेकिन क्योंकि वो माजी को पसंद है, उनकी जो माजी है ना, चाय पीते हैं इतना बड़ा ग्लास में सुबह 4 बजे, तो दूध की चाय तो साहू साहब ने खुद बना के देते हैं उस टाइम माँ को, उनको भी पसंद था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा. थैंक यू सर. गजल, मुझे पता चला कि साउथ साइड से इतना अच्छा चाय बनाना आता है, और मैम को तो 100 मार्क दे दिया आपको. तो एक रिक्वेस्ट है साउथ साइड, डॉक्टर साउथ एंड मिस्टर साउथ, एक दिन थोड़ा चाय पे चर्चा कंपनी में हो जाए, ताकि जो 2000 एम्प्लॉइज है वहाँ पे रुचि में, एक दिन एमडी और डायरेक्टर साहब थोड़ा सा चाय पे चर्चा कर लो ना, उनको भी फील आ जाए कि कैसे आप लोग बनाते हैं. आई थिंक 2000 लोगों के लिए चाय बनाना इज इम्पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर रुचि. ओके, सो अब मैं अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी, नॉन द लॉन्च हैज बीन डन, ये जो आपकी इतने सालों की मेहनत है, आज इसका फल हम सभी के सामने आया है, सो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपको लग रहा है किस तरह का रिस्पांस आने वाला है, हाउ डू यू थिंक द पीपल आर गोइंग टू लाइक इट, एंड क्या उम्मीदें हैं आपकी इस प्रोडक्ट को लेकर, व्हिच ऑफ कोर्स इज योर बेबी. मेरा एक्सपेक्टेशन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था वो उत्कर्ष और उत्कल ने दिखा दिया. तो मार्केट से जो रेस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा खराब था, और मैं ये टी के पीछे एक और रीज़न है कि मैं खुद चाय बहुत पसंद करता हूँ, और जब मैं